चंदई बघेड़ी नेशनल हाईवे 30 में देर रात्रि सड़क हादसा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के तेवथर से इस वक्त की बड़ी खबर। चंदई बघेड़ी नेशनल हाईवे 30 में देर रात्रि सड़क हादसा हो गया। मौत के पश्चात आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने शव को हाईवे में रखकर कट चक्का जाम किया। घटना पर परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने और परिजन को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु प्रशासन से की मांग। घंटों प्रभावित रहे आवागमन के बीच SDM PK पांडे, SDOP उदित मिश्रा, तहसीलदार राजेश तिवारी एवं अन्य सहित अधिकारी से बातचीत कर आश्वासन दिलाया और चक्का जाम को हटवाया। पुलिस के अनुसार देर रात्रि चाक घाट से मजदूरी कर वापस जा रहा फरदही निवासी बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वही हादसे के पश्चात युवक वाहन में फंसने से काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मृतक के भाई एवं SDM PK पांडे तेवथर। रीवा से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5,000 रुपए दुर्घटना के मिलते हैं, 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के मिलते हैं और उसकी जो महिला है, उसकी पत्नी जो है मृतक की, उसके लिए हमने छात्रावास में लगाने के लिए बताया है कि 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं तो छात्रावास में आदिवासी के मामले में जो है इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और छात्रावास में लगा रहे हैं तो भोजन पानी वगैरह बनाएगी जिससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक जो है उसमें काम करते हैं। जैसा कि सर परिजनों द्वारा घटना को हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, इस विषय में किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें पुलिस जो है मार्ग जांच करेगी और प्रकरण कायम होगा और उसमें जांच करने पर जो है जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी प्रथम दृष्टया तो दुर्घटना का ही मामला प्रतीत होता है। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी क्या वो वाहन जब्त हो चुका है? नहीं, इसके बारे में तो अभी अज्ञात वाहन बता रहे हैं तो अज्ञात होगा तो अभी हो सकता है अभी पकड़ा नहीं गया हो, लेकिन उसकी तलाश की